तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर कोरोना वैक्सीन के तृतीय चरण में आज राजस्व जिला पंचायत के साथ पुलिस विभाग को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस कड़ी में सबसे पहले जिला के जिलाधीश नीलेश क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ चंद्रकांत वर्मा को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद राजस्व विभाग एवं जिला पंचायत विभाग के अन्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वैक्सीन लगने के बाद अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आमजनों को भय से मुक्त रहना चाहिए, किसी भी भय व अन्य अफवाहों से दूर रहें। आज कोरोना काल के इस महामारी के दौरान यह वैक्सीन आम लोगों के लिए वरदान साबित हुई है और गरियाबंद जिले में इसे लगाया जा रहा है, यह भी लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस व्यक्ति के लगने के बाद ऐसी संभावनाएं हैं कि अब इस महामारी से हमें छुटकारा मिलेगा, किंतु जो प्रारंभिक तौर पर जो इसमें सावधानी बरतनी है वह बरतना होगा। मास्क लगाकर रहना होगा, लगातार हाथों को धोना, स्वच्छ व सफाई से रहना होगा, लगातार अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सारे प्रयास करने होंगे चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद जिले से, जहाँ पर वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में आज राजस्व जिला पंचायत के साथ पुलिस विभाग को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले जिले के जिलाधीश नीलेश क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल सहित सीईओ चंद्रकांत वर्मा को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। कोरोना का वैक्सीनेशन लेना एक अपने सभी की सामाजिक आवश्यकता है, सामाजिक अपना योगदान है उसमें। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से वैक्सीन लेने के बाद एक बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें बाकी जो भी हमको सावधानियां हैं वो पूर्व की भांति बरतनी पड़ेगी, यानी जिस तरह मास्क पहनते हैं, दो गज दूरी रखते हैं या हाथ धोना है, किंतु वैक्सीन लेने के बाद अपने शरीर में उसके एंटीबॉडीज़ निर्मित हो जाते हैं तथा उसके कारण कोरोना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चूँकि मैंने अब स्वयं भी वैक्सीन लिया है, हमारे एस पी साहब, हमारे सी ओ साहब, इन्होंने भी वैक्सीन लिया है, हमारे ज़िले के सभी अधिकारी भी वैक्सीन ले रहे हैं। तो नागरिकों को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप भी सामने आ जाइए, आपका जब समय आता है, टर्न आता है, हमारे हेल्थ वर्कर्स भी वैक्सीनेशन लिए हैं, किसी भी भ्रांतियाँ, किसी भी अफवाहें, किसी भी गलतफहमी पे शिकार ना हो। ये अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने खुद के लिए भी बहुत आवश्यक है, इसमें आगे बढ़कर इस वैक्सीन को लेना चाहिए। इतने संघर्ष और कठिन पल के बाद में आज हम लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत में हुई, जिसमें कलेक्टर साहब, मैंने सीओ साहब, सब लोगों को लगा, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हम लोग फ्रंटियर पे रहे थे, जो हमेशा फील्ड पे काम करते हैं, खतरे के पास में रहते थे, तो वैक्सीनेशन की शुरुआत होने से अब बिल्कुल सब लोग सेफ हो जाएंगे। वैक्सीनेशन के दौरान बिल्कुल भी जो एक प्रकार का भ्रम रहता है उससे हम लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और हम सब लोगों को इसको उपयोग करना चाहिए। इसीलिए आज हम लोगों ने जिला के जितने बड़े अधिकारी हैं उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी है। वैक्सीन लेने के बाद कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हो रहा है, फिर भी प्रोटोकॉल के तहत रेस्ट रूम में आधा घंटा में बैठना है। गरियाबंद के आम निवासियों से निवेदन है कि किसी भी भ्रांति में ना रहे और वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, लगाते समय भी, लगाने के बाद भी, और ये हमें एक व्यापक रूप से कोरोना से लड़ने में सक्षमता प्रदान करेगा। तो जैसे ही आम जनता के लिए वैक्सीन प्रारंभ होगा, आप पुनः रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन जरूर लें।